अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान, नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो मैं आप लोग के लिए वीडियोज बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर बंदे को जिसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पे ज़कात के हवाले से कि बहबूज सेविंग पे जो है वो ज़कात कटेगा। अब तक 100% लोग ये समझते हैं कि बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर ज़कात नहीं कटेगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा जनाब, बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पे ज़कात कटेगा। कैसे कटेगा वो अभी आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा, चैनल के हवाले से एक बात मुझे ऐड करनी थी आज की इस वीडियो में, वो मैं ऐड करता चलूँ। जनाब हमारा चैनल है नेशनल सेविंग एंड बैंक्स। जनाब हमारे चैनल का जो मैनिफेस्ट है या जो हमारे चैनल के बनाने का मकसद है वो तो जनाब यही है कि जनाब कि हम, मेरी इन्वेस्टमेंट हो या आपकी इन्वेस्टमेंट हो, किस तरह हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को वो अगर 1 लाख है तो जल्द अज जल्द उसको 10 लाख में कन्वर्ट कर दें और 10 लाख है तो 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दें। मतलब लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करके 1 लाख को जल्द अज जल्द 10 लाख में कन्वर्ट कर दें, और 10 लाख की अमाउंट है तो हमारी इन्वेस्टमेंट जल्द अज जल्द 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट हो जाए। लीगल तरीके से हो और बैंक में इन्वेस्टमेंट करके हो, मतलब कोई इलीगल तरीका हम यूज ना करें, और सेकेंडली ये कि इन्वेस्टमेंट भी बैंक्स में हो। इसमें इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, ठीक है, और दूसरी प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिला तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल किया उस पर, ठीक, कंपाउंड प्रॉफिट हासिल किया, फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इस प्रोडक्ट से स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट में चले जिसके प्रॉफिट रेट ज़्यादा हो। तो जो मेन टारगेट है हमारे चैनल का वो क्या है जनाब, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, बैंकों के थ्रू बढ़ाना, लीगल तरीके से बढ़ाना और जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, कि अगर 1 लाख है तो जल्द से जल्द 10 लाख हो जाए, और हमारे पास अगर 10 लाख हो तो जल्द से जल्द जो है वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा जनाब वीडियो की तरफ वापस आते हैं। जनाब वीडियो है कि बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर ज़कात कटेगा, ठीक है। अब तक हम सुनते ही आए कि बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर ज़कात नहीं है। देखिए बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर ज़कात है भी और नहीं भी है, दोनों मसले सामने आ गए। मतलब ये कि ज़कात है, कटेगा इस पर, किस तरह कटेगा वो भी हम आपको बताएंगे, और ज़कात नहीं है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, ज़कात कट जाएगा अगर ज़रा सा भी आपने एहतियात नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट में आप पैसे रख के छोड़ दें कि भाई ज़कात तो कटेगा नहीं, ज़कात कट जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड, देखें बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर ज़कात नहीं, यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट पे अपनी मेंशन कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। विथ होल्डिंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ BSC, मतलब बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर विथ होल्डिंग टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। अच्छा आगे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड इन द BSC आर आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात कलेक्शन, ठीक है, जुमले समझिएगा आप। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मेड इन द BSC आर आल्सो, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड इन BSC इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए हो रहा क्या है जनाब, ये मैंने कंफर्म कर लिया हर तरीके से, और इसके बारे में जनाब बहबू जो नेशनल सेविंग की ब्रांचेस हैं उनमें बहुत सी ब्रांचेस को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उनका भी जो ब्रांचेस मेरी जानने में थे उनका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और आगे से इन्फॉर्मेशन भी लिया है कि बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर ज़कात कट जाएगा। देखिए होगा, होता क्या है, अब पुराना सिस्टम तो रहा नहीं, पुराने सिस्टम के तहत जो है वो बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर ज़कात नहीं कट रहा था, लेकिन नया सिस्टम आया, नया सिस्टम की तरफ के थ्रू क्या है जनाब कि बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में गिर रहा है, ठीक है, अकाउंट में आपका बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट आ रहा है। अब फर्ज ये करें जनाब, आपने 2 महीने 3 महीने या 1 महीने से आपने 75 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट की बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सेल शीट खोल लूँ या कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, और मैं आपको साथ ही साथ दिखा रहा होता हूँ कि हो रहा क्या है, ज़कात कैसे कटेगी बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट में। आपने फॉर एग्जाम्पल 75 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 1340 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपके प्रॉफिट की अमाउंट कितनी हो रही है, 1,05,000 रुपये, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपने 4 महीने से आपने प्रॉफिट भी नहीं निकाला, आपकी अमाउंट कितनी बन गई,
4,02,000। अच्छा जो वो है 2.5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, तो ये 10,500 जो है वो आपके अकाउंट से ज़कात कट जाएगा। अच्छा कैसे कटेगा ये मैं आपको बता रहा था, बीच में मैं आगे फॉरवर्ड हो गया कि 10,500 कट जाएगा। देखिए पहले क्या था, जब आप सर्टिफिकेट लेते थे और सर्टिफिकेट लेके जाते थे ब्रांचेस, वो आपके सर्टिफिकेट देखते थे, अपना जो रजिस्टर निकालते थे उसमें डेबिट क्रेडिट करते थे, आपको प्रॉफिट दे देते थे, उस सिलसिला ख़त्म हो गया। अब क्या है जनाब, आपका अकाउंट खुल गया बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो अकाउंट खुल गया है, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है इस अकाउंट में, इस अकाउंट पर जो है वो आपका टैक्स है, ठीक है, इस अकाउंट पर टैक्स है, ज़कात टैक्स है। मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं, हर साल होता क्या है, अभी देखिए ज़कात निसाब ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किए, ज़कात ने अनाउंसमेंट करेंगे भाई 40,000 से या 45,000 से या 50,000 से ऊपर, जिसके पास भी जिसके अकाउंट में भी सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं उसके ऊपर ज़कात काट लो। हर साल जो है निसाब ज़कात आता है, एक इदारा होता है जो निसाब ज़कात जो है वो अनाउंस करता है। पिछले साल मेरे ख्याल से ही उसने, पिछले साल का मुझे याद है 46,000 समथिंग, 46,000 समथिंग था निसाब ज़कात आया था, कि 46,000 या 50,000 जो भी है, उस 50,000 अगर एक राउंड फिगर लेते हैं, 50,000 से ज़्यादा जिसके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं उससे ज़कात काट लो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम फर्ज ये करते हैं जनाब, निसाब ज़कात अनाउंस हो गया कि जिसके पास 50,000 से ज़्यादा अकाउंट में पैसे हैं तो उसके अकाउंट से ज़कात काट लो। आपने क्या किया जनाब, आपका प्रॉफिट आ रहा था 1,05,000 रुपये हर महीने, ठीक है, एक महीने का प्रॉफिट हो या अगर 4 महीने का प्रॉफिट हो तो तकरीबन ये 4 लाख समथिंग हो जाएगा। तो 2 महीने, 1 महीना या 4 महीने का अगर आपने प्रॉफिट नहीं निकाला अपने अकाउंट से, तो ये जो आपका प्रॉफिट अकाउंट पे आ रहा है ना, अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखिए ये जो बात कर रहे हैं नेशनल सेविंग वाले, यहाँ पे आ जाओ, बहबू सेविंग सर्टिफिकेट वाले, अभी जो मैंने आपको दिखाया है ये किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मेड इन बीएससी बहबू सेविंग सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट की बात नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट क्या, आपने जो 75,000 75 लाख का सर्टिफिकेट लिया है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपके कैश पैसे है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब कहने का है कि जो सर्टिफिकेट आपने लिया 75 लाख रुपए का, 75 लाख रुपए पे ज़कात नहीं है, लेकिन 75 लाख में जो प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 2-3 महीने से आपने पैसे नहीं निकलवाए, वो जितने पैसे भी अकाउंट में रखे हुए हैं उन पे जकात है, क्योंकि आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे जकात नहीं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जिस अकाउंट में आएगा वो सेविंग अकाउंट है और उस सेविंग अकाउंट पे जकात लगेगा। पर इसी तरह जैसे मैंने आपको इस मिसाल से बताया कि जनाब फर्ज कर ले कि आपका जो प्रॉफिट आया है वो आया है जनाब, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कि जैसे 75 लाख पे 1,05,000 का आपका प्रॉफिट आया, ठीक है, ये अगर 1 महीने का भी प्रॉफिट है तो उस पर भी ज़कात कट जाएगा। फर्ज कर लेते हैं हम ये 4 महीने का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट हो गया 4,20,000, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2.5% से, तो ये 10,500 जो है वो आपके अकाउंट से ज़कात कट जाएगा, क्योंकि ज़कात आपके सर्टिफिकेट्स पे तो नहीं, लेकिन आपका अकाउंट वो सेविंग है तो उस पर ज़कात है। तो मेरी बात याद रखिएगा, फर्स्ट रमज़ान को जो है वो ज़कात काट लिया जाता है अकाउंटों से, तो आपकी अगर पैसे प्रॉफिट के आपके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में मौजूद है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट आता है, अगर उसमें आपका निसाबे ज़कात अनाउंस होने के बाद उससे ज़्यादा पैसे पड़े होंगे उस अकाउंट में, तो उस अकाउंट से ज़कात काट ली जाएगी, चाहे 1 महीने का प्रॉफिट हो, 4-6 महीने का प्रॉफिट, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया कि जनाब 4 महीने का प्रॉफिट रखा होता 4,20,000 जिसकी अमाउंट बननी थी, इस पे 100% ज़कात कट जाएगा। प्रॉफिट आपका जिस सेविंग अकाउंट में आ रहा है वो आपका सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट पे ज़कात है। तो फर्स्ट रमज़ान से पहले अपने इस प्रॉफिट अकाउंट को जिसमें बहबूद का प्रॉफिट आ रहा है उसको ज़ीरो लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर इस अकाउंट के अगेंस्ट आप जो है वो CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें। लोगों ने 100% ये समझ के रखा हुआ है, बल्कि कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है कि भाई बहबूद पे तो ज़कात है ही नहीं,
बहबूद पे कुछ भी हो, बहबूद पे ज़कात नहीं कटेगा। देखिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे नहीं कटेगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट जिस अकाउंट पे आ रहा है उस अकाउंट पे ज़कात है। तो अगर निसाब ज़कात अनाउंस होता है कि जनाब 50,000 रुपये से ज़्यादा जिसके अकाउंट में पैसे उसका ज़कात काट लो और आपके अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा प्रॉफिट पड़े हैं, 2 लाख पड़े हुए, 3 लाख पड़े हैं, 4 लाख पड़े मौजूद है, 5 लाख है, 6 लाख है और आपने CZ50 का फॉर्म जमा नहीं करवाया है, तो जैसे ही फर्स्ट रमजान आएगा आपके उस सेविंग अकाउंट से, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 75 लाख का जो आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ सर्टिफिकेट पे जकात नहीं है। आपके आपके सर्टिफिकेट के अंदर अगेंस्ट जो आपके अकाउंट में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट गिर रहा है उस अकाउंट पे जो है वो जकात है, ठीक है। तो फर्स्ट रमजान से पहले उस अकाउंट को जीरो कर लीजिएगा तो आपके अकाउंट से जकात नहीं कटेगा, उसके सारे प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, या फिर उस अकाउंट के अगेंस्ट CZ50 का फॉर्म या जो अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है ज़कात अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं वो लाजमी जमा करवा देगा। अदरवाइज ये 100% कंफर्म न्यूज़ है कि बहबूद का जो अकाउंट है जिसमें बहबूद का प्रॉफिट गिरता है उस पर ज़कात काट लिया जाएगा, ठीक है। एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि मिक्स ना हो, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे ज़कात नहीं है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट जो प्रॉफिट आपको मिलेगा आपके अकाउंट में अगर उसमें निसाब ज़कात से ज़्यादा पैसे हुए तो फर्स्ट रमज़ान को उसमें से ज़कात काट ली जाएगी, ठीक है। कोशिश ये की है कि ये पॉइंट लोग सवालात कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हो, कैसे बहबूद पे तो आज तक नहीं कटा कैसे कटेगा, तो ये मैं 100% आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट अगर अकाउंट में निसाब ज़कात से ज़्यादा होगा तो 100% ज़कात काट ली जाएगी। बचने तरीका मैं आपको बता चूंगा, सबसे ईजी तरीका तो ये है कि रमज़ान से 1-2 दिन 3 दिन पहले आप अपने अकाउंट का जो प्रॉफिट है उस अकाउंट से सारे पैसे निकाल लें, ना अकाउंट में पैसे होंगे ना उस पर ज़कात कटेगा, ठीक है। या फिर सिंपल से एक है वो सेविंग अकाउंट है जिसमें आपके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का एंड जो प्रॉफिट आता है उसके अगेंस्ट जो है वो आप CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें, ये ज़कात डिक्लेरेशन जमा करवा दें, तो इंशाल्लाह फिर जो है आपकी ज़कात नहीं कटेगा। लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे तो हमने 4 जगह से इन्फॉर्मेशन मिली और कन्फर्म कर लिया कि भाई जो मैं कह रहा हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ठीक है जनाब। तो ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के जो इन्वेस्टर हैं वो ज़रा सा शार्प रहें, मतलब हालात को देखें और इसको शहर में ना रहे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे फिर मैं कह रहा हूँ इन्होंने जो लिखा है जुमला ये देखें ये बिल्कुल सही लिखा है, इन्वेस्टमेंट मेड इन BSE आर आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात, आपकी जो सर्टिफिकेट है उस पर ज़कात नहीं, बिल्कुल एग्री लेकिन अकाउंट पे है। बहरहाल जो 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं निकालेंगे तो ज़कात उस पर कट जाएगा, एक दफ़ा कटेगा तो नेक्स्ट टाइम आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। बहरहाल जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से यही है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।